दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास 32 इंच का टीवी आया है और डेड कंडीशन में आया है। मॉडल नंबर दिखा दूँ तो हायर कंपनी का है और 32LE32K7700GA मॉडल है, दिख रहा होगा आपको। और प्रॉब्लम इसमें डेड कंडीशन है। अब डेड कंडीशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ तो पूरा बर्नड हो रखा है। मॉसपेड के पास भी आप देख सकते हो पूरा ट्रैक जला हुआ है और पहले भी रिपेयर किया गया है। और मैं दिखा दूँ तो यहाँ से 12 वोल्ट का भी कनेक्शन किया गया है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसी के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नया प्रेजेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लेना दोस्तों, ठीक है। और पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं सब्सक्राइब करके शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि और भी वीडियो मैं लेके आ सकूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो दोस्तों ये 32 इंच का है, आप यहाँ देखते हो फ्यूज का जो ये फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी ओपन हो रखा है। आगे मैं डायबोर्ड चेक कर लूँगा, कैपेसिटर चेक कर लूँगा और इसके बाद ये जितने भी ट्रैक है उसको बनाने का कोशिश करूँगा। नहीं एसटीआर लगाना होगा तो एसटीआर लगाऊंगा, हो सके तो सप्लाई भी दूसरा मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसका सारा क्वान्टिटी चेक करेंगे मीटर से, क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो आप इसमें सीख सकते हैं कि कैसे हम सप्लाई डेड को रिपेयर कर सकते हैं, और जो बंदा नया सीख रहे होंगे एलईडी रिपेयर करना उनके लिए तो वीडियो बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मल्टीमीटर को हमें लगा लेना है कहाँ, शॉर्टिंग पे, क्वांटिटी डायोड पे। और उसके बाद सबसे पहले हमें शॉर्टिंग जो चेक करना है वो चेक क्या करना है, उस सबसे पहले जो शॉर्ट चेक करेंगे हम वो करेंगे फ्यूज सही है या ख़राब है। तो आप देखते हो यहाँ पे मैं लगा रखा है फ्यूज, यहाँ पे ओपन है, आप देखो यहाँ पे फ्यूज की क्वांटिटी सही बता रहा है दोस्तों, तो फ्यूज सही बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, फ्यूज सही है, ख़राब नहीं है, लग रहा था जैसे कि ओपन होगा लेकिन ओपन नहीं है। और आगे मैं डायबोर्ड चेक कर लूँगा, ये डायबोर्ड सारा डायबोर्ड को आपको चेक कर लेना है। तो डायबोर्ड हमें आप डायबोर्ड मल्टीमीटर पर देख सकते हो, वहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है डायबोर्ड का, दोनों साइड से चेक कर लूँगा कोई शॉर्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं डायबोर्ड पर कर दे रहा हूँ, इसे मीटर को देख लो डायबोर्ड पर आप दिखाना थोड़ा कैमरा, डायबोर्ड पर शॉर्टिंग नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है और ये भी शॉर्ट नहीं है। अब ये सारा चीज़ तो मैंने यहाँ से दिखा दिया, अब हम आ जाते हैं इस पर, क्या नाम है, कैपेसिटर पे, कैपेसिटर भी मुझे शॉर्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस टीवी को मैं लाइट देने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं कि सीरीज तो है नहीं, अभी लगा ही रखे हैं, डायरेक्ट दे के देखते हैं कि ब्लास्ट तो नहीं कर रही है। यहाँ से ब्लास्ट करने का भी चांसेस हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई ब्लास्टिंग अभी नहीं हो रहा है दोस्तों, लग चुका है। मैं एसी पे कनेक्शन भी कर दिया और एसी वोल्टेज भी चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एसी को मैं कर देता हूँ शिफ्ट, अब पूरी वोल्टेज यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है मीटर पे देख सकते हो। और मैं ले लेता हूँ यहाँ से एसी वोल्टेज यहाँ से, अभी तत्काल तो एसी वोल्टेज ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर, या तो बोर्ड ख़राब है, बोर्ड में, अच्छा बोर्ड में लाइट स्विच नहीं दिया गया है। देखो चिलमिला रहा है यहाँ पे, पूरा चचा रहा है, प्रिंट देख सकते हो, प्रिंट पूरा प्रिंट जल रही है ये इस पर साइड में, ये देखो दिख रहा होगा आपको, जो ये प्रिंट है दोस्तों, ये प्रिंट यहाँ पे जल रही है, जो ये जा सारे जो डायबोर्ड पे जा रही है वो। और यहाँ पे आईसी भी ओपन है, मैंने तब से देखा नहीं था, यहाँ पे आईसी ओपन है। और जब मैं लाइट दे रहा हूँ तो ये प्रिंट जो है ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है ये प्रिंट सारे जल चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमारा मजबूरी है कि यहाँ पे हम या तो सप्लाई अलग लगाएंगे, कोई कनेक्शन करेंगे, या हम दूसरा मॉसफेट या ट्रांजिस्टर जो एसटीआर आता है वो लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे मजबूरी बन चुकी है हमारी, तो अब इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, अब हम यहाँ पे सप्लाई नहीं देंगे। इस कंडीशन में हमारे पास मॉड्यूल होना चाहिए जो कि आप देखते हो सप्लाई है, और ये सप्लाई 43 इंच तक हम यूज कर सकते हैं 32 इंच से, और इसको कनेक्शन हम करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इनको कैमरा पकड़ने के लिए, और कनेक्शन कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखते हो एम्पियर लिखा होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे देख रखो एम्पियर लिखा हुआ है सभी का। अभी मुझे जितना एम्पियर पे चलाना है वो तो हमें 360 एम्पियर 32 इंची का है, 42 इंची का होगा तो मैं 220 से लेके 480 तक चलाएंगे। अगर हमारा क्या नाम बड़ी टीवी है तो 600 एम्पियर तक हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज कौन कौन सा हमें लेना है, 12 वोल्ट इन और ग्राउंड को हम यहाँ से उठा लेंगे, और इसके अंदर एक जो ADGI या EN को आपको बैकलाइट ऑन करने के लिए वोल्टेज रिवर्स में देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको भी देने के लिए कैसे करेंगे ये सारा चीज़ मैं इस फंक्शन में बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अब हो
तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्टार्ट फिर से वीडियो कर लिया हूँ और देख सकते हो यहाँ पे ये अब हमें क्या करना है, आयरन गर्म हो रहा था तो अब मेरा आयरन थोड़ी सी गर्म हो चुकी है और मैं क्या करने वाला हूँ, ये दो कनेक्शन देख सकते हो यहाँ पे 12 वोल्ट का इन का होता है, मैंने यहाँ पे दो 12 वोल्ट का इन दे दिया है और ये देख सकते हो एक ये जम्पर वायर है। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे 12 वोल्ट प्लस ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से ले लेंगे हम 12 वोल्ट प्लस इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से हम 12 वोल्ट को प्लस यहाँ से उठा लेंगे, पल्स हम यहाँ से उठा लिए, ठीक है, 12 वोल्ट का। और एक एक ले लेंगे हम माइनस, इसमें से यहाँ से ले लिया हमने माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड। अब हम ग्राउंड ले लिए यहाँ से, ठीक है, और एक वोल्टेज और लेना है जो कि हमारा बैकलाइट को स्विचिंग करेगा तो ऑन होगा, तो इसके लिए हमें एक कनेक्टर दूसरा ले लेना है। आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो लेकिन डायरेक्ट लाइट डायरेक्ट जलेगी और डायरेक्टली टीवी के साथ ऑन हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक और हम वोल्टेज को ले लेंगे। तो ये वोल्टेज होता है बैकलाइट को स्विचिंग ऑन करने के लिए, आप यहाँ पे 1.5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक दे सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं ये वाला पॉइंट पे एक वोल्टेज और, ये EN जो लिखा हुआ है दोस्तों, EN देख रहे हो यहाँ पे EN लिखा रखा होगा तीसरी ट्रैक पे, यहाँ पे दे देंगे हम EN पे। कॉल आ रही है, ठीक है, EN पे हम दे देंगे यहाँ पे। अब हम EN वोल्टेज ले लिए, 12 वोल्ट ले लिए, सब चीज़ ले लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये पॉइंट को यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे, हो गई ये कनेक्ट, ठीक है, और ये जो है यहाँ दे देंगे हम 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट दे देंगे जिससे कि हमारा ये यहाँ पे देना तो हमें 3.3 चाहिए बट 12 वोल्ट हम दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा गलत है बट फिर भी मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ इसलिए कि डायरेक्ट जले, जैसे हम ऑन करेंगे ना तो डायरेक्ट जले, तो इसके लिए हम यहाँ पे से 12 वोल्ट ले लेते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे स्विचिंग के बाद वोल्टेज आती है, जब पैनल ऑन होगी तो बैकलाइट भी साथ में जलेगा। और एक और मैं चीज बता सकता हूँ, अगर आप 12 वोल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ से क्या करना है, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर आपको सप्लाई नहीं जलाना है, अगर मदरबोर्ड से ही आपको सप्लाई जलाना है तो वो भी कर सकते हो, उसके लिए भी मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना है आपको। तो हम यहाँ पे से क्या करते हैं, ये जो शॉर्टिंग हो गया थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ, शॉर्टिंग हट गया, ठीक है। अब हम एक और फंडा आपको बता रहे हैं, यहाँ से लेना है और सोल्डर लेना है यहाँ से हमें, और क्या करना है, ये ट्रैक देख लो, यहाँ पे ट्रैक है, एक साइड कॉइल क्या नाम है आ रही होगी और दूसरे साइड वोल्टेज आ रहा होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉइल की वोल्टेज आ रही है, कॉइल पे जो इस साइड से जा रही है वोल्टेज, हम यहाँ पे एक जम्पर लगा देंगे, यहाँ पे ट्रैक है, अब इस ट्रैक पे हम एक जम्पर लगा देंगे 12 वोल्ट का, तो उसको कैसे लगाएंगे वो भी बताता हूँ। यहाँ से लगा देते हैं जम्पर, एक ले लेंगे हम इस पॉइंट से, और इसको कर देंगे हम डायरेक्ट यहाँ, यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डायरेक्ट 12 वोल्ट यहाँ भी आएगा, जो 25 वोल्ट 26 वोल्ट जो बनती है जो हमारा बैकलाइट ऑन करने के लिए वो वहाँ भी जाएगी। अब इससे एक हमारा बेनिफिट ये है इस पॉइंट से कि जब हम ऑन करेंगे ना तो हमारा बैकलाइट जो जलेगा इसी से जलेगा, ठीक है, इस वाले कार से ही जल जाएगा बैकलाइट, तो ये टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हम बैकलाइट का कनेक्शन, क्योंकि मैं दूसरा पोर्ट से टीवी ऑन किया था तो चेक किया था पैनल, तो मैंने कनेक्शन उल्टा किया था, अब उसको हम सही कर देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं हम इनबिल्ट, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मैंने लगा दिया ये कनेक्टर लगा दिया और ये पावर बोर्ड का है और इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, सप्लाई दे देता हूँ। तो आप IR में वहाँ देख सकते हो लाइट जल गई है, वहाँ तक लगा दिया। अब मैं यहाँ से सप्लाई से बैकलाइट नहीं जला रहा हूँ, तो मैं यहाँ से भी जला सकता था बैकलाइट बट यहाँ से नहीं जला रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट जला रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो लाइट आ चुकी है, ये वाली जल रही है, और यहाँ से जैसे ही मैं ऑन किया तो आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से ही बैकलाइट हमने जला दिया, ये बैकलाइट देख सकते हो जल रही है। और इसको आप पूरा पिक्चर भी मैं आपको चेक करा दूंगा, बैकलाइट की वोल्टेज सब चीज़ चेक करा दूंगा अभी आपको मैं, तो पकड़िए यहाँ पे बैकलाइट का वोल्टेज चेक कराता हूँ कितनी बन रही है, 12 वोल्ट का कमाल देखो कि ये बूस्ट कितनी करती है, और ये एक नंबर में पूरा जल रहा है दोस्तों, कोई वो नहीं, देखो
एक नंबर में काम हो रहा है यहाँ पे। देखो 33 वोल्ट के लमसम में बन रही है बैकलाइट पे 32 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एकदम एक ग्रेड की जैसी टीवी बन चुकी है। और मैं फिर से एक बार बंद करके LVDS अभी ओपन है, LVDS भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। और कबाड़ टीवी था दोस्तों, एक सप्लाई लगाने से ये टीवी चल गई। और मैं चाहूँ तो यहाँ से भी बैकलाइट जला सकता हूँ, ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा अगर बैकलाइट डल आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ से बैकलाइट जला सकता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे 12 वोल्ट आप दे दोगे तो बैकलाइट जल जाएगी। ठीक है, अब ये ऑन हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। और नीचे दिखाऊँ तो हायर आ गई बन के, ठीक है, हायर आ गई। ठीक है, तो दोस्तों इसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, आपके सामने में मैंने बनाया। ठीक है, और एक ये सप्लाई लगाया मैंने, और जो बैकलाइट जलाया मैं उसी से जलाया, सिर्फ इस एरिया को मैंने हटा दिया और बस इस एरिया का यूज़ किया, इसका सप्लाई भी यूज़ नहीं किया मैंने। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए तो, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में ताकि उनको भी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।